मैं भावलपुर से हूँ और मैंने अपनी मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है। और मैंने ये बोम का आइडिया लॉन्च किया था बैक इन 2020, आई मीन लास्ट ईयर। तो वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट इन अप्रैल, सो इट्स अ रनिंग प्रोजेक्ट एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। सोल्यूशन देखिए, मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि माइट बी यू ऑल्सो हर्ड अबाउट फूड पैंडा और गो लूट लो। दे आर चार्जिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज फ्रॉम द वेंडर्स, तो हम वो चार्ज नहीं करेंगे वेंडर से। एंड माइट बी यू ऑल्सो नो अबाउट फूड पैंडा, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी, इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी। तो वो हमारे फूड, पाकिस्तान के एक फूड का जो रेवेन्यू है वो 30-35% 40% ड्रैग आउट कर रहे हैं जर्मनी में। ठीक है, तो वाई वुड कि हम अपने पाकिस्तान में कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे हम अपने वेंडर्स को एक्सेस दें कि वो वही एक सर्टेन परसेंटेज जो कि बिल्कुल नॉमिनल हो वो अपने कस्टमर्स को दें, ताकि वो रेवेन्यू हमारा अपने ही इंडोज हो जाए अपने ही मुल्क में। तो इसका सलूशन ये है कि इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जहाँ पे हम वेंडर्स को गैदर कर रहे हैं, उनसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे और उनकी मर्जी के मुताबिक हम उनसे एक डिस्काउंट ले रहे हैं। कुछ कुछ है वेंडर्स वो बाय वन गेट वन दे रहे हैं, कुछ जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज दे रहे हैं। तो वो डायरेक्टली हमें नहीं दे रहे, हमने एक चैनल बना दिया, उस चैनल के ऊपर वो अपना डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, वही डिस्काउंट्स हम आगे वेंडर्स को पिच कर देते, सॉरी कंज्यूमर को पिच कर देते हैं। आई बिलीव इट्स अ वेरी बिग आइडिया और इसके ऊपर अगर हम काम करके मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जैसे मेरा प्लान है कि हम इस ऐप को लॉन्च करें और अपने पाकिस्तान में जहाँ स्पेसिफिक रिमोट एरियाज के जितने भी वेंडर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करें, ऑनबोर्ड करने के बाद उनको मार्केट कर दें। तो एक साल का मेरा पहला प्लान ये है कि इस ऐप के ऊपर मैक्सिमम हम 100 ऑफ 1000s यूजर्स बनाए। जब हमारे वो यूजर्स बन जाए हमारे पैनल के ऊपर, तो देन इन द सेकेंड ईयर आई हैव अ प्लान टू लॉन्च आर ओन डिलीवरी जहाँ पे हम लोगों को डिलीवर भी करें। अभी इट्स लाइक अ सर्विस ऐप, उसके बाद इसके ऊपर डिलीवरी लॉन्च करें। डिलीवरी के बाद जैसे ये थोड़ा सा एक्सेल करे डिलीवरी, तो थर्ड ईयर में मैं देख रहा हूँ कि हम इसको एज एन कैशबैक स्टोर भी बना सकते हैं या मार्केट प्लेस बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर डाल के इसको सेल आउट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। फोर्थ ईयर में मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि हम अपना ही कोई ई वॉलेट इंट्रोड्यूस कराए कि कस्टमर जहाँ पे मतलब अपनी फंड्स भी ट्रांसफर करे और फंड्स की यूटिलाइजेशन भी हमारी ऐप के ऊपर ही हो। सो बेसिकली इट्स एम टू मेक अ वन वन स्टॉप शॉप ऐप। करंटली वी हैव द प्रॉब्लम इन इन आर कंट्री, इट्स इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास कुछ इस तरह की ऑफर्स नहीं है लाइक बाय वन गेट वन या कुछ इस तरह का मतलब जो उनको एंटरटेन कर सके इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और उनके पास उनके पैसे पैसे भी कम लगे और उनको अच्छी एक सर्विसेज भी मिल जाए। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स करंटली इन पाकिस्तान। सो दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में जो डिलीवरी को हम लेके बड़ा ईज हमने फील किया हुआ है, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि हमें एक लॉस भी हो रहा है, हमारे मुल्क से एक रेवेन्यू भी जा रहा है। तो आई बिलीव टू कीपिंग इन व्यू आई जस्ट मेड दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वेंडर से भी कुछ चार्ज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ कंज्यूमर से भी एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे उन सारी चीजों को हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ईज दिलाना चाह रहे हैं। फॉर श्योर आई गिव अ मैसेज टू ऑल ऑफ देम कि आप बजाय के एजुकेशन के बाद आप किसी जॉब्स की तरफ जाए, फॉर श्योर यू विल हैव अ स्टार्टअप आइडिया एंड टू कोलैबोरेट विद एनआईबी बैंक और समथिंग, आई डोंट नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उनके साथ एक इस तरह अपना आइडिया पिच करें एंड एक्सेल योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल डेवलपमेंट। सो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ दैट।